इससे पिछले लेक्चर में हमने अरिथमेटिक सीक्वेंस को स्टडी किया। इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज नंबर 6.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर वन इज राइट द फर्स्ट फोर टर्म्स of following arithmetic progression. इसमें पहला जो पार्ट है उसमें गिवन है a1 is equal to 5 and 3 consecutive terms आर 23, 26 एंड 29। ये चीजें हमें गिवन हैं और हमने अरिथमेटिक सीक्वेंस की जो पहली चार टर्म्स हैं वो लिखनी है। अब जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया कि अरिथमेटिक सीक्वेंस की हमारे पास जो जनरल टर्म या nth टर्म है उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला हमने पिछले लेक्चर में डिराइव भी किया था, आप इसको याद भी कर सकते हैं, आसान सा फॉर्मूला है। जब भी अरिथमेटिक सीक्वेंस का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना होगा तो हमें ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। अब इस फॉर्मूले को यूज करते हुए हम किसी भी सीक्वेंस अरिथमेटिक सीक्वेंस की कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। हम सिंपली n की जगह पे वो वैल्यू पुट कर देंगे, लेकिन हमें a1 और d का पता होना चाहिए। a1 जो है वो किसी भी अरिथमेटिक सीक्वेंस में पहली टर्म होती है और d जो है ये कंसेक्यूटिव टर्म्स के दरमियान जो डिफरेंस है वो होता है। अब इस स्टेटमेंट में हमें a1 तो गिवन है लेकिन d गिवन नहीं है, साथ हमें कंजेक्टिव टर्म्स का तो पता है, तो उन कंजेक्टिव टर्म्स में से हम d को फाइंड कर सकते हैं। d इज इक्वल टू 26 माइनस 23 और इट इज इक्वल टू 29 माइनस 26, क्योंकि कॉमन डिफरेंस जो है अरिथमेटिक सीक्वेंस में वो हमारे पास होता है कि डिफरेंस ऑफ ए टर्म एंड द टर्म प्रीवियस फ्रॉम इट। तो 26 और 23 का डिफरेंस या 29 और 26 का जो डिफरेंस है वो हमारे पास कॉमन डिफरेंस है, तो ये हमारे पास आ गया 3। अब हमारे पास a1 भी है d भी है, तो हम इस सीक्वेंस की फोर टर्म्स जो हैं वो लिख सकते हैं। a1 तो हमारे पास आ गई 5, a2 इस फॉर्मूला में जहां जहां पे n है वहां वहां पे हम 2 पुट कर देंगे, तो a2 इज इक्वल टू हो जाएगा 5 प्लस a1 की जगह पे 5 आ गया, n की जगह पे 2 माइनस 1 इंटू डी, तो d की जगह पे 3, तो ये हो गया 5 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 8। जब हमने थर्ड टर्म फाइंड करनी है तो n की जगह पे 3 पुट कर देंगे, a1 की जगह पे 5 प्लस 3 माइनस 1 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 5 प्लस 6 विच इज इक्वल टू 11। और फोर्थ टर्म फाइंड करना है तो इसी फॉर्मूला में n की जगह पे 4 पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 4 माइनस 1 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 5 प्लस 9 विच इज 14। तो हमने इस सीक्वेंस की
जो पहली चार टर्म्स हैं वो फाइंड कर ली। तो सीक्वेंस हमारे पास बन गया 5, 8, 11 एंड 14। इसके तीन पार्ट्स हैं, एक चीज मैंने आपको कर दिया है, बाकी दोनों जो हैं वो आप खुद कर लेंगे। कोई भी टर्म अरिथमेटिक सीक्वेंस में फाइंड करना हो तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जो जनरल टर्म का है, an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d। लेकिन हमें a1 और d का पता होना चाहिए। a1 हमारे पास पहली टर्म है और d जो है वो दो कंजेक्टिव टर्म्स के दरमियान डिफरेंस है। अगर ये हमें गिवन नहीं होंगे तो कोई और डाटा गिवन होगा जिससे हम इनको फाइंड कर सकते हैं। तो बाकी दोनों जो पार्ट्स हैं उनको आप खुद करेंगे, आप उनमें a1 और d फाइंड करके बाकी सिंपली n की वैल्यूज पुट करते जाएंगे तो आपके पास टर्म्स आती जाएंगी। नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज इफ फिफ्थ टर्म of arithmetic progression is 16 and the 20th term is 46, what is its 12th term? एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जिसकी फिफ्थ टर्म जो है वो 16 है, 20th टर्म जो है वो 46 है और हमने उसकी 12th टर्म जो है वो फाइंड करना है। a5 इज 16 एंड a20 इज इक्वल टू 46, a12 जो है वो हमने फाइंड करना है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमने कोई भी टर्म फाइंड करना होगी तो हम जनरल टर्म वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। लेकिन पहले हमें ए वन और डी का पता होना चाहिए। अब यहां पे हमारे पास ना तो ए वन गिवन है और ना ही डिफरेंस डी गिवन है, हम फाइंड कर सकते हैं कैसे। अब आप देखें कि इस a5 इज इक्वल टू 16, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं a1 प्लस 4d, यही फॉर्मूला यूज करते हुए a1 प्लस 4d इज इक्वल टू 16 और साथ हमें 20th टर्म बता दी गई है, 20 इज इक्वल टू 46, यही फॉर्मूला यूज करते हुए इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है a1 प्लस 19d इज इक्वल टू 46। अब हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं और हम यहां से a1 और d की जो वैल्यू है वो फाइंड कर सकते हैं। अगर हम इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 जो है वो सब्ट्रैक्ट कर दें कि a1 प्लस 19d इज इक्वल टू 46 माइनस a1 प्लस 4d इज इक्वल टू 16, जब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये a1 a1 से कैंसिल हो जाएगा, तो 19 माइनस 4 15d इज इक्वल टू 46 माइनस 16 30 और d इज इक्वल टू 2। हमारे पास d की वैल्यू आ गई। अब हम इन दोनों इक्वेशन में कहीं पे भी d की वैल्यू पुट करके a1 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं।
a1 plus 4d is equal to 16, a1 plus 4 into d की जगह पे 2 put कर देंगे is equal to 16 and a1 is equal to 16 minus 8 which is equal to 8. अब हमारे पास a1 भी आ गया, d भी आ गया, तो हम अब कोई भी term जो है वो इस sequence की find कर सकते हैं. हमने find करनी है 12th term. General term का formula हमारे पास है an is equal to a1 plus n minus 1 into d. 12th term find करनी है, तो n की जगह पे हम 12 put कर देंगे. a12 is equal to a1 की value हमारे पास है 8 plus 12 minus 1 into 11. d हमारे पास है 2. तो ये हमारे पास हो जाएगा 8 plus 22 which is equal to 30. So the 12th term of this sequence is 30. इस क्वेश्चन में हमारे पास एक arithmetic sequence की 5th term और 20th term दी गई थी और हमें कहा गया था कि इसकी 12th term जो है उसको find करें. तो हमने वही general term वाला formula use किया, an is equal to a1 plus n minus 1 into d. लेकिन हमें a1 और d का नहीं पता था, terms हमारे पास थी, तो उनसे हमने a1 और d की value find कर ली और उसके बाद उन values को इस general term वाले formula में put किया और साथ n की जगह पे 12 put किया, तो हमारे पास 12th term की जो value है वो आ गई. Then the question number 4. Question number 4 is find 13th term of sequence x 1 2 minus x, 3 minus 2x and so on. हमारे पास एक sequence दिया गया है और इस sequence की हमने 13th term जो है वो find करना है. यह हमारे पास एक arithmetic sequence है. x, 1, 2 minus x, 3 minus 2x. यह हमारे पास sequence है. और हमने 13 term find करना है, हम formula वही use करेंगे general term वाला. an is equal to a1 plus n minus 1 into d. a1 हमारे पास given है, जो first term है किसी भी sequence की वो a1 होगी और d हमने find करना है. d हमारे पास difference होता है two consecutive terms का, तो हम find कर लेते हैं. d हमारे पास आ जाएगा a2 minus a1, तो वो हो जाएगा 1 minus x. अब हमारे पास difference भी आ गया, first term भी हमारे पास है, तो हम 13th term जो है वो find कर सकते हैं. simply इस formula में n की जगह पे 13 put कर देंगे, तो हमारे पास 13th term आ जाएगी. a13 is equal to a1 हमारे पास है x plus n की जगह पे 13 put करेंगे, 13 minus 1 into d की जगह पे 1 minus x put कर देंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा x plus 12 into 1 minus x. solve कर लेंगे तो ये हो जाएगा x plus 12 minus 12x. हमारे पास आंसर आ जाएगा 12 minus 11x. ये बिल्कुल उसी क्वेश्चन की तरह है जिस तरीके के हमने पहले क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, लेकिन इस तरह के जो क्वेश्चन हैं वो सारे सेम टाइप के हैं, यही फॉर्मूला यूज हो रहा है. लेकिन उसमें कभी हमें कहा जाएगा कि हम
नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करें यानी कि एन फाइंड करें, कभी हमें कहा जाएगा कोई स्पेसिफिक टर्म फाइंड करें, कभी हमें कहा जाएगा कि सीक्वेंस फाइंड करें। जब भी हमारे पास कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम सबसे पहला स्टेप ये फॉर्मूला लिख लेंगे, उसके बाद जो जो चीजें दी गई होंगी वो हम लिख लेंगे और जो नहीं दी गई होंगी वो हम फाइंड कर सकते हैं, हमें कोई डाटा दिया गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उनसे आपको इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो और क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 इज विच टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 5 to -1 up to so on इज -85। क्वेश्चन हमारे पास यह है कि एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है 5 to -1 up to so on और इसकी कौन सी टर्म जो है वो हमारे पास -85 होगी। वही फॉर्मूला हम यूज करेंगे, ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एक्चुअली हमने एन फाइंड करना है कि हमारे पास -85 के लिए एन की क्या वैल्यू होगी। तो ए वन हमारे पास गिवन है, ए वन इज 5, डी हम फाइंड कर सकते हैं, डी इज इक्वल टू 2 - 5 विच इज इक्वल टू -3। अब हमने फाइंड करनी है वैल्यू एन की और हमें टर्म बता दी उसने कि -85 के लिए जब हमारे पास ए एन जो है उसकी वैल्यू -85 होगी तो उस वक्त एन की क्या वैल्यू होगी। हम बाकी वैल्यूज पुट कर देंगे और एन की वैल्यू फाइंड कर देंगे। ए वन हमारे पास है 5 + n-1 इंटू डी हमारे पास है -3। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा 5 - 3n + 3 = -85 और -85 = 8 - 3n और 3n = 8 + 85, 3n = 93 और n = 31। इट मीन्स दैट के जो हमारे पास 31st टर्म होगी उसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास -85 होगी। तो इसका आंसर है 31st टर्म। क्वेश्चन हमारे पास था कि इस सीक्वेंस की कौन सी टर्म जो है वो -85 होगी। हमने वही फॉर्मूला यूज किया और उस फॉर्मूला से हमने n की जो वैल्यू है वो फाइंड की, क्योंकि हमारे पास a n तो उसने दे दी है जो कि -85 है और उसके लिए हमने n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमने a1 और d की वैल्यू पुट की तो हमारे पास n की वैल्यू आ गई। इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज नंबर 6.2 के पहले 6 क्वेश्चंस को सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो बिल्कुल इसी तरीके का है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बाकी 7 क्वेश्चंस जो हैं उनको सॉल्व करेंगे और इस में हमने नोट किया इस लेक्चर में कि जितने भी क्वेश्चंस हैं उनमें ये फॉर्मूला यूज हो रहा है, ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और इसको यूज करते हुए हमने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया और इस एक्सरसाइज के बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो भी इसी को यूज करते हुए सॉल्व होंगे।